डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहला हमारा किंगडम है मोनेरा। मोनेरा जो मोनेरा जगत है, इसमें हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम ऑफ मोनेरा। तो सारे जितने बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो सभी बैक्टीरिया है, वो मोनेरा जगत मोनेरा किंगडम में ही जो है सम्मिलित हैं, यानी कि सारे बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम में आते हैं। दे आर द मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया स्प्रेड इन द हैंड फुल ऑफ सॉइल। अगर आप थोड़ी सी मुट्ठी भर अगर सॉइल लेंगे, मिट्टी लेंगे, तो उसमें बहुत सारे जो है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको जो है उसमें मिल जाएंगे। दे आर ऑल्सो लाइव स्ट्रीम हैबिट्स सच अ हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। There are very few others life forms of can survive। तो जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को जो है कंडीशन में, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, जैसे हॉट स्प्रिंग, जो गर्म झरने होते हैं, मरुस्थल होता है यानी कि जो डिजर्ट होता है, स्नो होता है, बर्फ होता है, और गहरे समुद्र में, डीप ओशियंस में भी जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो रहते हैं इन कंडीशन में भी जो है, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, डिजर्ट्स है, स्नो या डीप ओशियंस, ऐसी कंडीशन में भी, फिजिकल कंडीशन में अपने आप को जो है कैना सर्वाइव, यानी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। मैनी ऑफ देम लाइव और अदर ऑर्गेनिज्म इज द पैरासाइट। और बहुत सारे जो है बैक्टीरिया जो है कुछ पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, बॉडी होस्ट के अंदर रहकर जो है पैरासाइट भी होते हैं। बैक्टीरिया तो ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप। शेप के आधार पर जो है इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये यहाँ पर कैटेगरी सबसे पहले आपकी है द स्पाइरिकल, जिसको अपन यहाँ पर कोकस बोल रहे हैं, कोकस या कोकाई जिसको अपन बोलते हैं। तो कोकस कोकाई, ये यहाँ पर इस तरह का शेप इनका होता है। फिर द रोड शेप्ड बेसिलस, जिसका यहाँ पर बेसिलस या बिसिलाई, तो ये यहाँ पर आपको इस तरह का इसका शेप दिख रहा है, स्पोर। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है द, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कॉमा आकार, यानी कॉमा शेप्ड, ठीक है ना, कॉमा शेप्ड आपका यहाँ पर है, कॉमा शेप्ड विब्रिया, विब्रियम या विब्रियो, ठीक है ना। और एंड द स्पाइरल आपका लास्ट वाला है, ये स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, ठीक है ना। तो इसका जो है स्पाइरिला, स्पाइरिलम, स्पाइरिला, ठीक है ना। तो स्पाइरिलम, स्पाइरिला आपको जो है इस तरह का शेप इसका दिख रहा है। तो ये जो है ये शेप के आधार पर, यानी कि शेप के बेस्ड, यानी कैटेगरी ऑफ बेस्ड ऑन द शेप, यानी शेप के आधार पर जो है चार प्रकार के हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका ये है, फिर ये, तो ये शेप आपको डिफरेंस दिख रहे हैं, इसी के आधार पर जो है इनके नाम है। तो ये शेप के आधार पर फोर टाइप्स के हो सकते हैं, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, यानी शेप के आधार पर ये फोर टाइप्स के हो सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है आर्किबैक्टीरिया। तो आर्किबैक्टीरिया क्या है? दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। यानी कि ये कुछ स्पेशल जो है, यानी कि कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि, यानी कि अपोजिट कंडीशन, यानी कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हर्श हैबिटेट्स, यानी कि कठिन वास जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि हैबिट जहाँ पर मुश्किल रहना जो है, अन्य जीवों का रहना मुश्किल होता है, ऐसी जगह पर भी वो रह सकते हैं। सच द एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, यानी कि बिल्कुल सॉल्टी एरिया जो है, जिनको अपन बोलते हैं यहाँ पर हेलोफी, तो हेलोफिल्स, हेलोफी बोलते हैं जहाँ पर सॉल्टी एरियाज होते हैं उसको, तो वहाँ पर भी रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ पर जो है गर्म झरने जिनको अपन बोलते हैं, यहाँ पर थर्मो आया, ठीक है ना, थर्मो मतलब गर्म, तो हॉट स्प्रिंग जहाँ पर गर्म हो, और यहाँ पर मार्शी एरियाज, मैथनोजेंस, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो है आपको मैथनोजेंस, यानी कि जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर CH4 मीथेन आपको मिले, मार्शी एरियाज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कंडीशन में जो आर्किबैक्टीरिया जो है वो सर्वाइवल करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, यानी कि मोस्ट हार्श हैबिट्स में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, और मार्शी एरियाज में मेथोजेनस रह सकते हैं। तो ये है आर्किबैक्टीरिया
जो कि ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइवल यहाँ वहाँ पर वो पाए जाते हैं। आर्किबैक्टीरिया और जो फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, यानी कि आर्किबैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि आर्किबैक्टीरिया की अलग होती है और आर्किबैक्टीरिया के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो है एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सर्वाइव यानी कि रह सकते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि यही कारण है कि जो है एक्सट्रीम कंडीशन में वो सर्वाइवल कर लेते हैं। अब बात यहाँ पर आगे एग्जांपल दिया हुआ है मेथनोजेंस, जो कि मेथनोजेंस हैं वो कुछ जो है काउस और बफेलोस की इसमें जो है इनकी गट में पाए जाते हैं, यानी काउस और बफेलो की गट में ये मेथनोजेंस पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस, जो है मिथेन का जो है प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस का एनिमल्स, जो यहाँ पर आपको मिलता है उसमें मिथेन आपको मिलती है, ठीक है ना। तो ये मेथनोजेंस होते हैं प्रेजेंट गट में, यानी कि उसकी आंत्र में काऊ और बफेलो की गट में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं ये मिथेन यानी बायोगैस मिथेन को जो है प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, तो एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, मेथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या है ये देख लेते हैं भाई, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो यू बैक्टीरिया में देर आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया अपन बोल सकते हैं। दे आर द कैरेक्टर, इनका एक कैरेक्टर है कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड एंड मोटाइल फ्लेजुलम के थ्रू जो है इनको जो है क्या करा जाता है, इनकी पहचान की जा सकती है, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यानी कि जो यू बैक्टीरिया हैं वो उनमें रिजिड सेल वॉल होगी और वो मोटाइल होंगे यानी फ्लेजुलम उनमें प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया हमको दिया हुआ है, द साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए जो है प्रेजेंट रहता है, यही वजह है कि ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स लिखा हुआ क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है और यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो है मोड इसका होता है, क्योंकि जब पिगमेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये भी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर नोस्टॉक का आपको जो है डायग्राम भी यहाँ पर दे रखा है इसका। तो ये जो है ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर दोनों में जो हो सकते हैं, और ये जो है अपर पॉल्यूटेड वाटर में ये ज़्यादा जो है ग्रोथ करते हैं, अपने आप को जो है ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो जो नोस्टोक और एनीबिना होते हैं उनमें हेट्रोसिस्ट यहाँ पर होता है, हेट्रो उनमें स्पेशल सेल होती है जिनको हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। इन सेल की मदद से जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी कि नोस्टोक और एनाबिना, ये नोस्टोक और एनाबिना जो होते हैं उनमें एक स्पेशल सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जिससे वो जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, नाइट्रिट्स एंड अमोनिया रिलीज करते हैं, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज करके वेरियस जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नाइट्रिट्स और अमोनिया जो है यूज़ करके एनर्जी जो है रिलीज करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, यानी कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर है इनका जो साइकिल चलता है तो उसको उसमें भी इनका रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही जो है साइकिल में जो है इसको एक स्टेप इनका होता है जिससे वो साइकिल इसका चलता रहता है। नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा है, ये सारे जो साइकिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनमें इनका रोल होता है। हमें पता भी है कि बहुत सारे जो है नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, सल्फर का यूज़ करते हैं, फास्फोरस का, बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है ना, और जो है क्या बनाते हैं वो एटीपी एनर्जी बनाते हैं, तो ये यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।